WWE के पूर्व चैंपियन ब्रे वाइट का 36 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे। ब्रे वाइट, जिनका असली नाम विंधम रोटुंडा है, बीते कई महीनों से WWE रिंग से दूर थे। वह किसी जीवनघातक बीमारी से जूझ रहे थे। WWE के पूर्व चैंपियन ट्रिपल एच ने उनके निधन की जानकारी दिया था। WWE के पूर्व चैंपियन ब्रे महज 36 साल के उम्र में दुनिया को अलविदा के गए। हाल ही में वो पिता बने थे। ब्रे वाइट ने साल 2009 में WWE ज्वाइन की थी। इसके बाद से वह लगातार रेसलमेनिया में अपना जलवा बिखेर रहे थे। वाइट रेसलमेनिया 39 में हिस्सा नहीं ले पाए थे। बॉबी लेशले के साथ उनका झगड़ा काफी सुर्खियों में रहा था। इसके बाद उन्हें टीवी से हटा दिया गया था। अगस्त की शुरुआत में यह बताया जा रहा था कि वह अपनी बीमारी से उबर रहे हैं और जल्दी ही रिंग में वापसी कर सकते हैं। वाइट रेसलिंग परिवार से ही आते हैं। उनके पिता माइक रोटुंडा 1990 के दौर में WWE के जाने माने रेसलर रह चुके हैं। वह इरविन आर शेस्टर और उनके भाई टेलर माइकल रोटुंडा उर्फ बो डलास के नाम से प्रचलित थे। रोटुंडा अपनी पीछे अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। WWE की अनाउंसर जोजो से उसने पिछले साल ही शादी की थी। इससे पहले दोनों लिवइन में थे। दोनों के सगाई से पहले ही दो बच्चे हुए थे। इससे पहले उन्होंने साल 2012 में सामंता से शादी की थी। उनसे भी उनकी दो बेटियां हैं। वही निधन के कारण के बारे में बात करें तो कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ है। दरअसल कुछ महीने पहले उनको कोविड हुआ था और तब से ही उनके हाथ में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और फिर अचानक उनके निधन का खबर बाहर आया। तो आप लोग उनको कैसे याद करते हो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।